नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुश्री मेथानी। शुरू करते हैं आज के बुलेटिन से, जिस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिक्किम से, जहां पर सिक्किम में 2000 फंसे हुए पर्यटकों का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम में 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि 16 जून को आई बाढ़ के कारण चुंगथोंग के पास सड़क बह गई थी, जहां पर भारी बारिश और खराब मौसम में बीआरओ प्रोजेक्ट स्वस्तिक ने पर्यटकों को बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्र एक अस्थाई क्रॉसिंग बनाने के लिए रात भर से काम किया था, जहां आज दोपहर 12 बजे तक 300 से ज्यादा पर्यटकों को बचा लिया गया। वही बता दें कि सड़क संपर्क बहाल करने के लिए भी प्रयास जारी है, जबकि पर्यटकों की निकासी यहां पर जारी रहेगी। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन सिक्किम में चलाया जा रहा है। यहां पर सड़क टूट गई थी, जिसके बाद से ही यहां पर लगातार बीआरओ की टीम पर्यटकों को बाहर निकालने में लगी है। 2000 पर्यटक यहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें से अब दोपहर तक 300 पर्यटक निकाल दिए गए। तो वहीं गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया, जहां पर सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान समर्थकों में मारपीट हुई और दोनों तरफ के समर्थकों ने पथराव करते हुए जमकर मारपीट की। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी समर्थकों ने पथराव किया। इस बवाल के दौरान कार्यक्रम से सकुशल बचकर बीजेपी सांसद निकल गए। इस मारपीट पे पथराव का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। तो यहाँ पर बाल बाल बचकर निकले हैं बृजभूषण शरण सिंह। अचानक से इनके काफिले पर पथराव हो गया, सेल्फी को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद इनका काफिला भी इस विवाद में फंस गया। यहां पर बृजभूषण शरण सिंह बाल बाल बचकर काफिले से बाहर आए। तो वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह हुआ, जहां पर छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल से सम्मानित किया गया। बता दें, राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जहाँ मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहाँ राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल से सम्मानित किया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए वो समर्पित हैं और ये खुशी की बात है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत में ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रहा है। वहीं दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई दी, जहां उन्होंने कहा कि आज का दिन छात्र छात्राओं के माता पिता और गुरुजन के लिए भी विशेष अवसर है, जहां त्याग संकल्प और समर्पण ने विद्यार्थियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वेद और पुराण का अध्ययन का भी महत्व जरूरी है, जहां बालकृष्ण ने यह भी बताया कि किस प्रकार समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी वेद का ज्ञान हो सकता है, इसका मनन किया जाए। दिन में संस्कृत यूनिवर्सिटी 18 साल की हो गई है, तो इसलिए जरूरी है कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन के साथ लिंक करें, इनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब का सपोर्ट दें। बिल्कुल लगता है कि आज दिन है कि हम संकल्प करें कि हम संस्कृत को हर एक लेवल के ऊपर में वो सपोर्ट दें, ताकि हर भारतीय और इवन विश्व के, आपको याद होगा कि पुराने समय के अंदर में जो हमारे भारत के ऋषि मुनि हैं, जो हमारी संस्था थी वो इतनी प्रबल थी कि सब फॉरेनर्स यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो समय दोबारा आने वाला है। संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है। संस्कृत संस्कृति का आधार है, संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और
बहुत उदात्त कार्य कर रहा है, उसी कार्य में सम्मिलित सहभागी होने के लिए हम आए फॉर द सेशन 21 एंड 22, और गोल्ड मेडल मिला है इसके लिए, मतलब अलग ही डिस्टिंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, और हमारी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से, मतलब सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन फॉर एकेडमिक पर्पसेज एज वेल एज अदर पर्पसेज, सो आई एम क्वाइट अ हैप्पी एंड आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम ऑनरेबल जनरल गवर्नर जनरल मिस्टर गुरमीत सिंह. It is a very proud moment for me, and I would like to thank my parents and the Almighty and some of my friends, those who have contributed so much to this gold medal. And at last, I want to thank Almighty. तो वहीं फरुखाबाद के एक गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया, जहां मगरमच्छ देखते ही देखते गांव में घुसकर लोगों के घरों के नजदीक तक पहुंच गया. मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव ससापुर का है, जहां एक मगरमच्छ गांव में घुस गया. वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लंबी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू करके अपने कब्जे में ले लिया. बता दें कि इसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर काली नदी में छोड़ दिया, जहां ये बात सामने आई कि मगरमच्छ काली नदी से निकलकर लगभग 5 किलोमीटर दूर जमीनी रास्ता तय कर गांव पहुंचा था. बहरहाल मगरमच्छ को नदी में छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. तो वहीं मसूरी में उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार 18 जून को स्वच्छता अभियान का आयोजन सुनिश्चित किया गया, जिसको लेकर आज नगरपालिका परिषद मसूरी ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक स्कूली बच्चों सहित विभिन्न संगठनों ने स्वच्छता रैली निकाली, जहां पर गांधी चौक पर एकत्रित होकर स्वच्छता को लेकर सभी स्कूली बच्चों सहित संगठनों ने शपथ ली. इस मौके पर स्वच्छता के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया. वहीं इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी एक पर्यटक नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जिसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मसूरी को स्वच्छ और सुंदर रखें. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज नगर पालिका द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें शपथ ली गई थी कि हम मसूरी को साफ सुथरा बनाए रखेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि 18 जून यानी कि कल उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मसूरी के विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे कि दलाई हिल, जॉर्ज एवरेस्ट सहित विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा. देखिए, आज ये स्वच्छता अभियान जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पे चलाया जा रहा है और इसकी आज शुरुआत हुई है, और हम सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक नगरी है और देश विदेश से लोग यहाँ के घूमने आते हैं, यहाँ की सुंदरता को देखने आते हैं. तो आज सब बच्चों ने, सब यहाँ के स्थानीय लोग संकल्प किया है कि हम जो भी कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे, हम अपने कीन संसार डोर की डोर जो आती है घर पे उसको देंगे, हम अपना शहर और अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखेंगे. ऐसा सब लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया, और हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखें. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में आए हुए तूफान की वजह से हुई तबाही का जो मंजर हुआ उसका सीधा ही हवाई निरीक्षण करते हुए जायजा लिया. तबाही का मुआवजा लिया गया. आपको बता दें कि बिपरजॉय चक्रवात से गुजरात को खासा नुकसान पहुंचा था, और कितना नुकसान राज्य को पहुंचा है उसका ही जायजा लेने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे थे, जिसके बाद अमित शाह ने राज्य में चक्रवात से हुई तबाही का हवाई निरीक्षण लिया. तो वहीं भीषण गर्मी के प्रकोप से बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए लोगों को आग से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के नेतृत्व एवं निगरानी समिति सदस्य व ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा के संयोजन में आज बस स्टैंड पर जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के कार्यालय में पुलिस विभाग की इकाई उत्तर प्रदेश फायर सर्विस द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के मुख्य अतिथि प्रभारी बस यूनियन गौरी शंकर सोनी को अध्यक्षता में रखते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रामकेश शुक्ला और जगत सिंह यादव के वशिष्ठ अतिथि में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस स्टैंड पर यात्रियों और मौजूद जनसमूह को आग के प्रकार, आग बुझाने की विभिन्न विधियों तथा सिलेंडर में आग लगने पर किस तरह से आग का दम घोटकर सिलेंडर की आग को बुझाया जाए, फायर यंत्र में किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए, बाकी इन तरह
तरह की चीजों का प्रदर्शन करके उनको जानकारी थी। इस तरह से पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने सभी को समझाया कि भीषण गर्मी को देखते हुए आगजनी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है और ऐसे में आग बुझाने के कुछ प्राथमिक उपायों को जानकर आप स्वयं की परिवार की और पड़ोस साथ में कई और लोगों की जान बचाने में सहयोग कर सकते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते कुछ दिन पहले ही रंधावा दाबा के पास पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ हुई लूट की घटना का आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए जिला के कुख्यात अपराधी फुरकान को बरामद हुई नकदी के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में पूर्व अमरिया थाना क्षेत्र के रंधावा ढाबा के पास बाइक सवार आरोपी ने चाकू मारकर पेट्रोल पंप के मैनेजर कश्मीर सिंह के 2,91,000 की लूट को अंजाम दिया था। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। वहीं आज पुलिस ने शनिवार को इस पूरी घटना का खुलासा किया है, जहां पर खुलासे के तहत आरोपी फुरकान को 71,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार भी कर दिया है। इसी दौरान उनको जेल भी भेजा गया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए सीओ प्रतीक दहिया ने बताया कि कुख्यात आरोपी को लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दिनांक 10 को थाना मरिया क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें वादी कश्मीर सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मरिया पर मुकदमा अपराध संख्या 118/23 धारा 392 और 411 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशन में SOG सर्वेलेंस और थाना पुलिस की संयुक्त टीमें बनाई गई। टीमों द्वारा लगातार कड़ा परिश्रम किया गया और आज प्रातः वहीं अगली खबर जालौन से, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बार फिर से मौत का एक्सप्रेसवे बन चुका है, जहां पर दो ट्रकों के बीच भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर खराब खड़े ट्रक के पीछे से जाकर एक और ट्रक ने टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक पूरा मामला है, जहां पर दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंस गए। तो वही राहगीरों की सूचना पर हाईवे सिक्योरिटी और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला गया, जहां दोनों ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं मथुरा के थाना गोविंद नगर के अंतर्गत चांदी व्यापारियों के साथ लूट करने वाले गिरोह को मथुरा पुलिस ने पकड़कर इनके साथ 7 ईंट और 2 लाख रुपए नकद बरामद कर लिया। इसके साथ ही लूटी हुई ज्वेलरी भी मिली है। वहीं मथुरा पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह को 6 लोगों को भी पकड़कर जेल भेज दिया है। तो ये बड़े गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जहाँ पर लूट को अंजाम देने वाले इस पूरे गिरोह को पुलिस ने जब्त कर लिया, इसकी सारी नकदी भी बरामद करी और उसके बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया। 11 जून को एक सनसनीखेज घटना मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में द्वारकेश कॉलोनी में हुई थी, जहां दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक चांदी व्यापारी के जो एम्प्लॉय थे उनकी गाड़ी को सामने से रोक के, उनकी स्कूटी को सामने से रोक के चांदी से भरा थैला लूट लिया था। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वहां 5 टीमों का गठन किया और सभी टीमें तब से लगातार इस पे काम कर रही थी। बहुत ही कम समय में बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में जो मौके पे 2 अभियुक्त आए थे, दीपक तिवारी उर्फ दीपू और रविंद्र उर्फ रॉबिन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल जो पूर्व में चोरी की गई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। साथ ही साथ इस घटना की प्लानिंग में जो 2 अन्य लोग थे, जिसमें दीपक तिवारी की प्रेमिका और उसका भाई, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही साथ जो लूटी गई चांदी को जिसने गलाने का काम किया था, नीलेश सोनी, वो भी गिरफ्तार किया गया।
वहीं अगली खबर बलरामपुर से, जहां सपा से दो बार विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि लेखपाल सुनील कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जहां पर कुछ ही दिन पहले ये मुकदमा 419, 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान पूर्व सपा विधायक हाशमी पाए गए प्रथम दृष्टया आरोपी, जहां पर बता दें कि जाली दस्तावेजों के सहारे जमीन हत्याने के मामले में यहां पर एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं। वहीं न्यायालय ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा है। वहीं आपको बता दें कि आरिफ हाशमी विधानसभा चुनाव के दौरान ही बेल पर जेल से रिहा हुए थे। वहीं अभी तक पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा 27 ऐसे केस है जिन पर यहाँ पर काम हो रहा है, इन पर दर्ज है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड में जनपद स्तरीय भू माफिया गैंग और आपराधिक गैंग के सरगना भी ये पूर्व विधायक बताए जाते हैं। आज फिरोजाबाद में जिलाधिकारी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील टुंडला के सभागार में किया गया, जिसमें फरियादियों की कुल 107 शिकायतें आई है, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को सौंपकर जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ टुंडला द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लेखपालों द्वारा सरकार की अंतर जनपदीय ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत उनको गृह जनपद छोड़कर पास के जनपदों में तैनाती की जाने की मांग की गई। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी फिरोजाबाद उज्ज्वल कुमार के अलावा एसपी फिरोजाबाद आशीष कुमार, सीडीओ दीक्षा जैन के अलावा विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यह बताना है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई पश्चिम क्षेत्र के लेखपाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत दूर दूर मंडलों में नौकरी कर रहे हैं, घर से 500 किलोमीटर दूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत उनको गृह जनपद छोड़कर निकटस्थ किसी भी जनपद में तैनात किए जाने की व्यवस्था है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ऐसी मांग करते हैं हम ज्ञापन के माध्यम से। संपूर्ण समाधान दिवस में मैं कप्तान साहब पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें अभी तक 160 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 8 का तत्काल निस्तारण करा दिया गया है। बाकी जितनी भी शिकायतें आई हैं वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, अभी बता दिया गया है कि उसका गुणवत्तापूर्वक और टाइमली निस्तारण करेंगे। किसी भी आवेदक को दोबारा एक ही प्रकरण के लिए यदि वो कोर्ट या किसी अन्य मामले में लंबित ना हो तो उसको दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, ऐसा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी साथ ही ये बताया गया है कि जो भी वीक डेज हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जनता दर्शन के जो टाइम है 10 से 11 में वो अपने अपने ऑफिस में जरूर बैठेंगे और जनता की शिकायतों का हल करेंगे। तो वहीं बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना के निगवापुर गांव में दबंगों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जमीन पर कब्जा करने को लेकर महिलाओं के साथ यहां पर दबंगइयों की तरफ से मारपीट की गई है। आपको बता दें कि कप्तानगंज के निगवापुर गांव में दबंग जमीन पर कब्जा करने के लिए जेसीबी लेकर पहुंच गए थे। जब काम शुरू हुआ तो दो महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद महिलाओं ने 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, जहां पर तहरीर में बताया गया कि गाटा संख्या में 51 में 0.376 हेक्टेयर जमीन उनकी है, जहां पर उनके पास जमीन का कागज भी मौजूद है, जिस पर दबंग कब्जा करने के लिए और मना करने पर उनके साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ भी की गई। वही जमीन पर कब्जा करने को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा पुलिस शिकायत करने पर उल्टे हमको डांटा गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई, छेड़छाड़ की गई, इस तरह के आरोप यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वहीं ये भी कहा गया कि उनके पास जमीन के बाकी दस्तावेज हैं और इसके अलावा दबंगों की नज़र जमीन पर कब्जा करने की है। हमारे खेत, हमारा जमीन है, हमारे जमीन में प्रेमचंद कब्जा कर रहे हैं। हम लोग उधर रोकने के लिए जाते हैं तो हमको मारने के लिए धमकी देते हैं और मार भी गए, आज मार भी दिए हैं, पकड़ पकड़ के मारे हैं। प्रेमचंद, अनुराग, आनंद, ये सब मिलके मारे हैं, गलत जगह पे हाल लगाए हैं, हमारे कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग को ऐसे ही मारते हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं, हम क्या खाएंगे, हमारा उतना ही जमीन है, हमको अन्याय चाहिए।
थाने वाने पे जाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग आते हैं तो हमको बैठा देते हैं, जिस वो प्रेमचंद को छोड़ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ, हमको इंसाफ नहीं चाहिए। हम ऊपर तक जाएंगे, हमारा सुनवाई नहीं होगा तो। पहले आगे प्रेमचंद है, अनुराग, आनंद के बाद जितने बार उनके लेबर मिस्त्री हैं सब लोग हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े बड़े फाड़ दे, गलत गलत जगह पर जमीन उहार डाले हैं, हम लोग दिखा नहीं आते हैं, थाने पर गए, चौकी पर गए, हमारी सुनवाई कोई नहीं होता। हमारे उस दिन हम आए थे तो प्रेमचंद भी आए थे साथ में, हम कागज दिखाए, अप्लीकेशन दिए थे, हमारा दे रख लिए अप्लीकेशन, इसके बाद उनको हमको बैठा दिया, उनको छोड़ दिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया, जिस पे वीडियो की जांच कराकर शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं झांसी के तहसील गरोटा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय पर बीती रात बिजली ओवरलोड होने की वजह से बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। आग बुझाने के उपरांत पता चला कि बिजली ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी व क्षेत्र विधायक के प्रयास से विद्युत उपकेंद्र गुरसराय में 8 MVA विद्युत ट्रांसफार्मर पहुंच गया, और साथ में लाइनमैन धर्मेंद्र कुमार रामकेश के साथ ही कई लोग की तरफ से धूप में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वापस विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने से गुरसराय क्षेत्र के करीब 100 गांव 3 दिन से अंधेरे में थे। आज से ही गुरसराय और आसपास के सभी गाँव में सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। सहारनपुर के देवबंद पुलिस के द्वारा हत्या का सनसनी केस खुलासा किया गया, जहां पर पुलिस के द्वारा 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त ओमपाल भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 तारीख को थाना देवबंद में मृतक सुमित के भाई राम कुमार ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा छानबीन कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त ओमपाल सिंह अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक सुमित फाइनेंस कंपनी में कार्य करता था और वो ओमपाल के घर से किश्त लेने आता था, जहां पर ओमपाल की पत्नी पर पूरी नजर रखता था। यही बात ओमपाल को नावागार गुजरी और उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सुमित के गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी और अब सबको जंगल में फेंक दिया। वहीं बता दें कि पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से सुमित का शव बरामद कर दिया गया है और हत्या में प्रयुक्त गमछा और 41,500 रुपये भी नकद बरामद हो गए। संभल में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर सपा सांसद भड़क गए, जहां पर नेहरू संग्रहालय के नाम से छेड़छाड़ ना किए जाने की बात उन्होंने रखी है। बता दें कि केंद्र सरकार के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया था, तो वहीं अब इस मामले में संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क भी कूद पड़े। सपा सांसद ने कहा कि नाम बदलकर उसमें खूबसूरती पैदा नहीं होने वाली, लेकिन ये आवाम को उलझाने की सिर्फ एक कोशिश है। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के मानने वालों में नफरत भी बढ़ जाएगी, ये भी कहा गया। हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। वहीं शनिवार को संभल स्थित अपने आवास पर सपा सांसद ने यह भी कहा कि नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर इसमें कोई नई खूबी पैदा नहीं होने वाली है, लेकिन यह आवाम को उलझाने की एक भरसक कोशिश है। वहीं सपा सांसद ने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से अगर कोई लाइब्रेरी उनके काम के कारण कर दी गई तो उसे हटाने का क्या मतलब बनता है। वहीं मोदी सरकार जब कुछ करती है तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था
तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी। वहीं सपा सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आवाम में दूरियां पैदा होंगी और नफरत बढ़ जाएगी। वहीं इसके अलावा सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के परिवार वालों को इससे शिकायत होगी, लेकिन सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार को ऐसा करने से नुकसान ही होने वाला है। जहाँ सपा सांसद ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वालों के कारण देश पीछे रह जाएगा, यहाँ हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। डॉक्टर बर्क बोले कि देश आगे बढ़ सकता है जब एकता पैदा होगी। सरकार द्वारा ये काम जो किया गया है ये पूरी तरह से गलत है। जहां सांसद ने कहा कि नेहरू संग्रहालय का नाम जैसा था वैसा ही कर देना चाहिए। तो वहीं एटम में शादी के जश्न में नाचते हुए युवक अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि आशंका जताई जा रही थी कि शादी में नाचते वक्त युवक को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। इसके अलावा युवक की मौत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद फानंद में परिजनों ने स्थानीय चिकित्सकों को दिखाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और देर रात ही शव को कस्बा भी ले जाया गया। सहारनपुर के कलेक्टर स्थित तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें पहुंच रहे फरियादियों की समस्याओं का समाधान कराया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी अजय कुमार सानी ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिसमें कमिश्नर द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादियों की समस्याओं को सुना जा रहा है और जो भी समस्या सामने आ रही है उस समस्या का मौके पर निस्तांतरण भी किया जा रहा है, वो तुरंत इसी वक्त हो रहा है और बाकी समस्याओं की जांच की जा रही है। वहीं अगली खबर रायबरेली से, जहां भतीजे ने चाचा को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी। आपको बता दें कि आम के बाग के बंटवारे को लेकर विवाद में चाचा को भतीजे ने मार डाला, जहां पर पुलिस के सामने ही दौड़ा दौड़ा कर राइफल से यहां पर गोली मारी गई है। बता दें कि गंभीर हालत में युवक पुलिस में अस्पताल में भर्ती है, जहाँ पर मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलगांव का, जहाँ के रहने वाले मिर्जा शेषा जमाल बेग का आम के बाग के बंटवारे को लेकर अपने भतीजे से पारिवारिक विवाद चल रहा था। आज मामला खूनी संघर्ष में बदल गया और आज दोनों दबंग भतीजे शाहरुख और शानू ने अपने चाचा को डायल 112 पुलिस के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियों से मार डाला। वहीं बता दें कि गोली लगने से घायल चाचा मिर्जा शाह जमाल बेग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल अधेड़ युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए उनको रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमलावर दोनों भतीजों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक मिर्जा शेषा बेग नाम के युवक है, जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है। पुलिस द्वारा लेके आए गए हैं। बताया जा रहा है कि गनशॉट के दौरान उनको चोट लगी है, जिनको स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। भर्ती करके उनको इलाज चल रहा है। सर्जन साहब ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उनको KGMC लखनऊ के लिए भेज दिया है ट्रॉमा सेंटर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।